दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर रहे। और आयशा जो समीना भाभी के गुण गाती थी अब सबसे ज्यादा उसी के खिलाफ है। उधर हबीब तो इतना लालची बन चुका है कि उसे अपनी बेटी के घर का भी कोई एहसास नहीं, उसे सिर्फ दौलत चाहिए। और रहीला भी उसके कान भरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। अब हबीब का मिशन है कि सारा कारोबार पर वो अपना कब्जा जमा ले और सब कुछ उसी के हाथ में हो और सारे फैसले वही करे और हर चीज में अपनी मर्जी करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, समीना कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। वो फाखर को इनकरेज करेगी और फाखर बिजनेस को संभालने में कामयाब हो जाएगा। फाखर सबको साथ लेकर चलेगा। फाखर और एनी एक दूसरे की सपोर्ट भी करेंगे और फाखर एनी को दिल से कबूल भी कर लेगा। बहुत जल्द आयशा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और रहीला की सारी हकीकत खुलकर सबके सामने आ जाएगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले नजर आता रहे।